Assalamualaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, last lecture में हमने exercise 6.4 को question number 7 तक किया था. आज के lecture में हम start करेंगे question number 8 से. तो आइए चलते हैं whiteboard की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. Last lecture में हमने exercise 6.4 को question number 7 तक किया था. आज के lecture में हम start करेंगे question number 8 से. एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ S2, S3, S5 आर द सम्स ऑफ 2n, 3n, 5n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शो दैट S5 इज इक्वल टू 5 इनटू S3 माइनस S2. यहां पे S2, S3 और S5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं 2n, 3n एंड 5n उनके सम्स को शो कर रहे हैं और हमने ये प्रूफ करना है S5 is equal to 5 into S3 minus S2. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. We know that Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. तो हमारे पास S2 आ जाएगा 2n over 2 into 2a1 plus 2n minus 1 into d. अब यहां पे हमारे पास 2n टर्म्स हैं, इसी वजह से n की जगह हमारे पास आया है 2n. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा S3. This is equal to 3n over 2 into 2a1 plus 3n minus 1 into d. S5 is equal to 5n over 2 into 2a1 plus 5n minus 1 into d. We have to prove that S5 is equal to 5 into S3 minus S2. अब यहां पे हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और उससे हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है हमारे पास 5 into S3 minus S2. This is equal to, अब यहां पे हम S3 and S2 के जो ऊपर फॉर्मूलाज बनाए हैं वो यहां पे पुट कर देंगे. तो हमारे पास यहां पे S3 की जगह आ जाएगा 3n over 2 into 2a1 plus 3n minus 1 into d minus 2n over 2 into 2a1 plus 2n minus 1 into d. This is equal to 5 into 3n over 2 into 2a1. 3n minus 1 को कर देंगे d के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा plus 3nd minus d, then आ जाएगा minus 2n over 2 into 2a1 plus 2nd minus d. अब यहां पे देखा जा सकता है हमारे पास n over 2 आ रहा है common, तो n over 2 को लेंगे common, taking common n over 2, तो हमारे पास यह आ जाएगा 5n over 2 into 3 into 2a1 plus 3nd minus d minus 2 into 2a1 plus 2nd minus d.
दिस इज इक्वल टू 5n ओवर 2 इंटू 6a1 प्लस 9nd माइनस 3d माइनस 4a1 माइनस 4nd प्लस 2d। देन हमारे पास आ जाएगा 5n ओवर 2 इंटू 6a1 माइनस 4a1 इज 2a1, 9nd माइनस 4nd इज प्लस 5nd, माइनस 3d प्लस 2d इज माइनस d। दिस इज इक्वल टू 5n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस 5nd माइनस d में से हम कॉमन लेंगे d को, तो हमारे पास आ जाएगा 5n माइनस 1 इंटू d, एंड दिस इज इक्वल टू s5 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड दैट s5 इज इक्वल टू 5 इंटू s3 माइनस s2। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 इंटीजर्स व्हिच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट 1000 इंटीजर्स का सम फाइंड करना है, और जो इंटीजर्स कंसीडर करने हैं दे आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। द सीरीज ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स विच आर नाइदर divisible by 5 nor by 2 is, तो सबसे पहले हम सीरीज बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस अप टू प्लस 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999। नेक्स्ट टर्म ये करेंगे, ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं इनको कंबाइन कर लेंगे, उसी तरह नेक्स्ट 4 टर्म्स को भी कंबाइन कर लेंगे, एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस अप टू 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 इज 20, देन आ जाएगा प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 इज 60 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 इज 100 प्लस अप टू 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999 इज 3980। अब हमारे पास ये जो सीरीज है इसमें a1 है
20 के इक्वल, An इज इक्वल टू 3980, D फाइंड कर लेते हैं, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे हम पहले 20 एंड 60 को कंसीडर करेंगे, तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। अब हम एक दफा 60 एंड 100 को कंसीडर करके भी कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 60 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 40। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और दूसरा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू a1 प्लस an। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसका सम फाइंड करने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये n अभी मिसिंग है, तो पहले हम फाइंड करेंगे n को। As we know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके पहले हम फाइंड करेंगे n। an is equal to 3980 and this is equal to a1 is 20 plus n minus 1 into d is 40। अब इस इक्वेशन को n के लिए कर लेते हैं सॉल्व, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3980 माइनस 20 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 40। 3980 माइनस 20 इज 3960 एंड दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 40। देन हमारे पास आ जाएगा 3960 ओवर 40 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 99 इज 396। तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 99। देन आ जाएगा n इज इक्वल टू 99 प्लस 1, तो n आ चुका है 100 के इक्वल। तो इसका ये मतलब है कि सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 100 है। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू a1 प्लस an। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा S 100 इज इक्वल टू 100 ओवर 2 इंटू a1 इज 20 प्लस an इज 3980। S 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 20 प्लस 3980 इज 4000। S 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 4000 इज 200,000। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। S8 एंड S9 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड S9 इफ 50 इंटू S9 इज इक्वल टू 63 इंटू S8 एंड A1 इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन, गिवन दैट 50 into S9 is equal to 63 into S8 and A1 is equal to 2.
अब यहां पे हमने फाइंड करना है एस नाइन. वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो हमारे पास एस एट आ जाएगा एट ओवर टू इंटू टू ए वन प्लस एट माइनस वन इंटू डी. एस एट इज इक्वल टू फोर इंटू टू ए वन प्लस सेवन डी. सिमिलरली एस नाइन इज इक्वल टू नाइन ओवर टू इंटू टू ए वन प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी. एस नाइन इज इक्वल टू नाइन ओवर टू इंटू टू ए वन प्लस एट डी. टू ए वन प्लस एट डी में से कॉमन आ रहा है टू, तो हमारे पास एस नाइन आ जाएगा नाइन ओवर टू इंटू टू इंटू ए वन प्लस फोर डी. टू से टू हो जाएगा कैंसल और हमारे पास आ जाएगा एस नाइन इज इक्वल टू नाइन इंटू ए वन प्लस फोर डी. नाउ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 50 इंटू एस नाइन इज इक्वल टू 63 इंटू एस एट. तो यहां पे आ जाएगा 50 और एस नाइन की जगह आ जाएगा 9 इंटू ए वन प्लस फोर डी. दिस इज इक्वल टू 63 इंटू एस एट की जगह आ जाएगा 4 इंटू टू ए वन प्लस सेवन डी. अब यहां पे ये जो ए वन है इसको पुट कर देते हैं. वी नो दैट ए वन इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 4 डी. दिस इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 7 डी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 9 इंटू 4 डी इज 36 डी. दिस इज इक्वल टू 63. 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 4 इंटू 7 डी इज 28 डी. देन हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 18 इज 900 प्लस 50 इंटू 36 डी इज 1800 डी. दिस इज इक्वल टू 63 इंटू 16 इज 1008 प्लस 63 इंटू 28 डी इज 1764 डी. अब राइट साइड पे हमारे पास है 1764 डी, इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे ये जो 900 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1800 डी माइनस 1764 डी इज इक्वल टू 1008 माइनस 900. 1800 डी माइनस 1764 डी इज 36 डी. दिस इज इक्वल टू 1008 माइनस 900 इज 108. तो हमारे पास डी आ जाएगा 108 ओवर 36 के इक्वल. 3 इंटू 12 इज 36, 3 इंटू 36 इज 108, 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 12 इज 36, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 6 इज 12, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6. तो D हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल. अब हमने ऊपर S9 फाइंड किया था और S9 आ रहा था
9 into a1 plus 4 d के इक्वल, तो हमारे पास a1 है 2 के इक्वल एंड d इज इक्वल टू 3। अब s9 आ जाएगा 9 into 2 plus 4 into 3, s9 is equal to 9 into 2 plus 12, s9 is equal to 9 into 14, तो s9 आ जाएगा हमारे पास 126 के equal। So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।